हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका कनेक्शन, जो कि बीटी बोर्ड से ड्राइवर ट्रांजिस्टर और ड्राइवर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे होता है। इसका तो वीडियो मैंने पहले ही दिखाया था, आज इसका टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले इस तरह के बीटी बोर्ड में 3 पिन होते हैं। देखिए फर्स्ट पिन यहाँ जो है माइनस है, जो कि ब्लैक वायर हमने लगाया हुआ है। दूसरा पिन जो है सिग्नल आउट है, यहाँ से ड्राइवर सिग्नल आउट होता है, जो कि इस प्रीसेट से आउट होता है। थोड़ा सा प्रीसेट से प्लस वोल्टेज मिलता है ताकि वाइसिंग वोल्टेज ठीक ठाक बनी रहे। यहाँ 0.5 मिल रहा है और 0.9 के बीच में, मतलब आधा वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में मिलना चाहिए। और ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है, ये बैटरी से हमने कनेक्शन दिया है। और इस 12 वोल्ट पॉजिटिव से ही एक पतला वायर यहाँ से आ रहा है, जो कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर में इन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए इस ट्रांसफार्मर में 2 वायर हैं, एक ब्लैक, ये एक ब्लैक और एक रेड। तो ब्लैक वाला ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर गया हुआ है और रेड वाला आप देखिए यहाँ से साफ साफ रेड बिल्कुल यहाँ 12 वोल्ट पॉजिटिव पर चला गया, और ब्लैक वाला जो वायर है वो यहाँ से आ करके यहाँ देखिए 62 पॉइंट में ड्राइवर ट्रांजिस्टर में लगाया हुआ है। इसके बीच वाले यानी कलेक्टर पर गया हुआ है, और येलो कलर का जो बाएं साइड में बेस है ट्रांजिस्टर का बेस, वो देखिए यहाँ से सिग्नल जो आउट हो रहा है वो ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर गया हुआ है, और कलेक्टर से ब्लैक वायर पतला आया हुआ है जो कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर में इन हुआ। और इसके इमीटर पर निगेटिव से मोटा वायर यूज करके हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद आपको दिखाएंगे। इस तरह का एम्पलीफायर अधिकतर पुराने आज से लगभग 15 से 20 साल पहले मिला करते थे, हर बार निकले हुए हैं। एक ब्लू है और 2 ब्लैक है बीच में, जो कि वाइसिंग वोल्टेज के लिए होगा, और एक येलो कलर है। तो हमने येलो कलर और बीच वाला यानी दोनों ब्लैक इस स्पीकर पर कनेक्ट किया हुआ है। आप स्पीकर देख लीजिए, यहीं 6 इंच का स्पीकर है, और इसका कॉयल 8 इंच वाला है, 40 वाट का है, और इसका कनेक्शन हमने इस टाइप से किया हुआ है। आप कनेक्शन साफ साफ देख सकते हैं, इस ट्रांसफार्मर में गया हुआ है। तो हम यहाँ माइक कनेक्शन किए हुए हैं, देखिए माइक 1 में है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं और देखिए ये माइक है, इसके सामने ले जाने से थोड़ा सा हम कम करते हैं, देखिए यही माइक है, थोड़ा सा हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, और जैसे ही इसके पास लाते हैं हमिंग आती है। हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 1 2 3, हेलो हेलो हेलो। मैं कुछ इसमें रख दे रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा इसकी आवाज़। हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो, बिल्कुल ठीक है। और हम इसका ऑक्स यहाँ से इन किए हुए हैं, आप देखिए, और इसका मास्टर बेस और नीचे ट्रेबल, बाकी सब वही नॉर्मल है। तो यही इसका कनेक्शन है, यहाँ से 2 वायर जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर का आउट हो रहा है वहाँ से हमने लिया हुआ है, इसको हमने फ्री छोड़ दिया है, और ये दोनों लिया हुआ है, और ये दोनों एक ट्रांजिस्टर एक प्लस वोल्ट 12 वोल्ट पर जाता है, और ये 12 वोल्ट की वायर है इस बोर्ड के लिए। और इस ट्रांजिस्टर पर हमें कोई भी हीटिंग नहीं मिल रही है, देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम ठंडा है। आप लोगों का ड्राइवर ट्रांजिस्टर बहुत हीट होता है, वैसा कमेंट में हमने पढ़ा हुआ है कई बार, तो इसके हीट होने के क्या कारण हो सकते हैं इसको हम कल दिन में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और इसका वोल्टेज भी कल दिन में जो कि वीडियो जो आएगी इसका वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे कि कैसे प्रीसेट से मैनेज किया जाता है, और इस प्रीसेट से ही इस ट्रांजिस्टर का कनेक्शन मैच करता है। आपका ट्रांजिस्टर हीट होगा या ठंडा होगा ये प्रीसेट ही तय करेगा, इसलिए आप प्रीसेट की क्वालिटी अच्छी रखिए। देखिए ओरिजिनल है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है, ये प्रीसेट हमने ओरिजिनल इसलिए लगाया है ताकि हमेशा इसकी कंटिन्यूटी
बराबर बनी रहे। लोकल प्रीसेट ना लगाएं तो बेहतर है, लोकल से बचें। और इस टाइप के ट्रांजिस्टर आपको कम देखने को मिलते हैं 6252 इस डाइवर्ट ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि कंपनियां बाइसिंग वोल्टेज ही नहीं बना पाती है, और बना कर देती भी है तो कुछ समय बाद पुरान होने पर उसकी बाइसिंग वोल्टेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और ट्रांजिस्टर हीट होने लगता है। तो चलिए मिलते हैं कल दिन में एक नई जानकारी के साथ कि ड्राइवर ट्रांजिस्टर हीट क्यों होता है, उसका समस्या कैसे निदान करें। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, अपनी समस्या कमेंट में बताएं।